हरसिमरत बादल ने केंद्र सरकार ते पंजाब नाल वितकरे दे इल्जाम लाए ने। उन्हां कहा कि पंजाब दे विच पिछले साल हड़ां कारण होए नुकसान लई केंद्र ने हाले तक सूबे नूं मुआवजा नहीं दिता। हरसिमरत बादल मुताबक जबकि केंद्र ने बाकी राज्यों को मुआवजा दे देता है। सर, माननीय मंत्री जी के रिप्लाई में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको बोला है कि पंजाब में नो लास्ट मिनट रिपेयर एम्बैंकमेंट का कुछ नहीं हो रहा है और हर साल पंजाब में फ्लडिंग नहीं होती है। पिछली साल 2023 में हैवी रेनफॉल हुई थी और फ्लडिंग तो 2019 में हुई थी। मैं तो इतना हैरान हूँ कि पंजाब सरकार को मालूम नहीं कि पंजाब में हो क्या रहा। सब पिछले साल पंजाब में फ्लडिंग दो बारी हुई और 23 में से 21 जिले फ्लड हो गए। हजारों एकड़, 2 लाख हेक्टर पूरा फसल तबाह हो गई। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 60,000 से ज्यादा पशु मर गए। आपका प्रश्न क्या है? सो सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्टेट सरकार को नहीं पता, पर क्या केंद्र सरकार को भी नहीं पता था कि पंजाब में इतनी जबरदस्त फ्लडिंग हुई है? तो जो हुई और इतनी तबाही जो पंजाब में मची है, तो इन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह जहां इन्होंने मुआवजा दिया बहुत अच्छा, लेकिन क्या इन्होंने मालूम नहीं था कि 23 में से 21 पंजाब में सीवियर फ्लडिंग होके सीवियर डैमेज, सीवियर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको कोई रिलीफ रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं दिया गया इस बजट में? ये प्रश्न। एक मिनट जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का जो प्रश्न था उसको हमने पंजाब सरकार को भेजा था, उनके ही जवाब के आधार पर हमने उनको लिखित जवाब दे दिया गया है। चैनल में सब जगह चल रहा है पंजाब कितना फ्लड हो गया और इधर की सरकार को पता ही नहीं।